अच्छा हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसे क्या बोलूं क्योंकि कैंडल लाइट के माने प्रॉमिस हमें करते थे लेके किसी और को जाते थे इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं मैम मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना वो जो आती है शत्रु सर मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर उसको बड़ी जेलसी होती है अच्छा टेंशन में आ जाती है तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी आई मीन तो मैम इनकी और इकलौती जी जी तो मैम महंगाई का जमाना है दूसरा कौन अफोर्ड करेगा शत्रु भाई यार गले लग जाओ एक बार वाकई सही बात है और क्यों गले लगे मालूम जी जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई घर घर की कहानी तो पुनः मैम मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं क्यों आ रही हैं आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस था क्या बात है ये अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई जो आपके घर से कई बार आती है हूं तू कार चल आपको कैसे पता लगा मुझे नहीं समझ आई घर घर की कहानी ऐसे अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं शत्रु सर ने फिल्म करी थी ना सर पुत जट्टा दे पुत जट्टा धर्म पाजी और आप सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोली आपने उस पिक्चर में धर्म जी ने कहा मुझको बड़े भाई हैं उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले बाद में ग्रामर तो पहले गालियां सीख ली बाद में ग्रामर ऐसा लग रहा तू कर नहीं रही तेरे से कोई करवा रहा है और तू बता नहीं रही ये अच्छा किया तूने ये थिएटर वेटर ये सब टीवी छोड़ के ये आई तू मेन अपने हक का काम ये और किस तरह तूने ज्वाइन किया ना वेरी नाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मुझे भोजपुर में काम मिल गया है किसमें भोजपुर भोजपुरी सिनेमा पाजी मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है पता है अगले हफ्ते मेरे गाने की शूट भी है वो भी आउटडोर पूरा बता आउटडोर मैडम मतलब सड़क पे पूनम जी गले में हारमोनियम डालकर ना सामने सफेद चादर बिछा के गरीबों की सुनो ये होता है इनका लाइव कलेक्शन करती है पैसों का अब भोजपुरी सिनेमा करना आसान नहीं है भोजपुरी आती है तुम्हें अब भूरी को आसान कम करने में मजा कहाँ आवत है पाजी और रही बात भोजपुरी बोलने की तो वो मैं सर से सीख लूंगी सर आप सिखा दोगे बिल्कुल तो अभी बोलो क्रिसमस अभी हुआ ना तो अभी बोलो जिंगल बेलवा खेलेला 80 साल के बुढ़वा देखो झोला लेके आवेला तुम जैसे लोगों की वजह से शत्रु सर ने खामोश बोलना शुरू किया है अच्छा तू ढंग का काम किया करे वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में जोकर बनेगी 10 रुपए में बता बात करूं कपू शर्मा हाँ जी हुस्न का गुलदस्ता तुम्हारे सामने खड़ा है हाय हाय ओहो वाह मतलब कुछ तो चक्कर वक्कर चलाओ कब तक बातें चलाओगे शत्रु सर जो बच्चे 14 साल की उम्र में 18 साल वाली फिल्में देख लेते हैं ना वो फिर ऐसी बातें करते हैं सर वो क्या है ना मेरे इस भोले से आशिक को पता नहीं कि पटना में हमारा डांस देखकर ना लोग सिक्के उछालते हैं सिक्के उछालते नहीं सिक्के मारते हैं ये और ये इतनी शानी है शत्रु साहब ना लहंगे में ना चुंबक लगा के लेके जाती है सिक्के आते ना ऐसे ऐसे पकड़ती है ये और फिर घर आके झाड़ती है ना ये तो 163 रुपए निकलते हैं पूरे अब तुम
चुप रहो, ओके? मुझे सीखना है सर से कि भोजपुरी डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, ओके? अरे कप्पू भैया, अब कौन आया? ये क्या पिज्जा डिलीवरी वाली से आप डायलॉग डिलीवरी करवा रहे हो? असली हीरोइन ही तो इधर है। हाय, कैसे? ऐसी होती है भोजपुरी हीरोइनी, तेरे जैसी नहीं, मरेली सुकेली। कप्पू भैया, मालूम है मेरे फिल्म की स्क्रिप्ट चुरा के भागी है ये। बुरी तरह को शर्म नहीं आती? नहीं कप्पू भैया, मैं तो कहती आप इसको डांटो, अपने गेस्ट से तो मिल देते। प्रणाम अंकल। खुश रह गया। Wonderful. कैसे अंकल? Krishna is great. Krishna is wonderful. Thank you. मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा है। उठ उधर से, मैं इधर बैठेगी। क्यों? उठ इधर से, इधर ही बैठेगी मैं। हेलो मैम, कैसे आप? ठीक हूँ। इधर लव भी आया ना? जी। किधर है लव? वहां पर। हाय लव, मैंने सुना था लव इज ब्यूटीफुल, बट इधर उल्टा है, लव इज हैंडसम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लव, बहुत हैंडसम अंकल। दो चार दिन के लिए दो ना मेरे को। नहीं सपना पागल है, तो वो मैरिड है लव। मेरे को मैरिड लोग ही पसंद है। अरे मैं इसको टाल रहा हूँ, आप समझ रही हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल, वैसे मेरे को मैम कुछ से मिल लेगी घर जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा वाला मुकेश, मुकेश? ओह माय गॉड, मुकेश को तो मैं भूल ही गई। मेरा यही प्रॉब्लम है, कोई हैंडसम लड़का देखती है ना तो मैं मुकेश को भूल ही जाती। सर आपको बताया, मेरा भी भोजपुरी पिक्चर आ रहा है। कौन सा? पति ने दिया धोखा, तू लिट्टी में चोखा। बहुत मजेदार है सिद्धू जी। मेरा ये लड़की ना उस फिल्म का स्क्रिप्ट चुरा के भाग गई। एक्सक्यूज मी सपना, मैंने कोई तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चुराई है, समझ में आया? डायरेक्टर ने मुझे खुद सेट पे बुलाया और रोल दिया। आप ही बताओ मैम, कौन सा डायरेक्टर अपनी फिल्म में से पिलर जैसी हीरोइन लेगा? पिलर? अबे ओ चिल्लर। किलर नहीं, मैं किलर है, किलर। और मेरी जवानी में थ्रिलर है, थ्रिलर। तू जानती नहीं यूपी बिहार में ना मेरी फिल्में गदर मचाती है। मेरी फिल्म ना थिएटर में आग लगा देगी। तो बताना कैसे लगा देगी? इनके वहां पे मेला था, पीछे टेंट में पीछे बैठ के बीड़ी पी रही थी, तो कहते भाग के आता सीन आ गया, बुझा के चल गई और बुझी नहीं, टेंट में आग लग गई। आग लगाती है तू? चले इसी, कोई बात नहीं है। एक कप्पू, अपनी ची बहन है, लड़की है। देख तू भी लड़की, मैं भी लड़की, मैं तेरा समझती। देख तेरे को अगर सेट पे आने का इतना ही शौक है ना, तू मेरी बॉय बन जाना तू। हाँ, एक हाथ में ऐसा जूस का गिलास, एक हाथ में छतरी, बैग रखने का। मैं बोलेगी ए छोटू कॉफी ला, तो भाग के आने का, ऐसा काम तेरे को बहुत सूट करेगा। सच्ची बोलती। ये ठुमका वुमका तेरे बस का बात नहीं है रे। देखो मैं अपने एक ठुमके से ना पूरे यूपी बिहार को हिला सकती हूँ। यूपी बिहार को कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ शत्रु जी हिला सकते हैं, और कोई नहीं हिला सकता है। बात करती है, ज्यादा बकवास नहीं करना। शत्रु अंकल, हम लोग भी पटना से ज्यादा बोली तोरी भैंसिया का पूंछ उखाड़ कर टाई बना डालेगी मैं। बात करती है, तेरा ना ये पैर काट के चारपाई बना देगी, तू जानती नहीं मैं सपना हूँ सपना। मम्मी ना तो के कूट कूट के खटिया बनाई दे, चमड़ी उखेड़ के बना दे चटाई, भूरी है भूरी। अरे भूरी नहीं, तू कान खजूरी है केकड़ी। बात कर रही है तोरी ननद का नालंदा, तोरी ननद का नाला सुपारा, नाला सुपारा। चल बे खामोश हो जा चैनू की खैनी। ज्यादा बकवास नहीं करना, मैं असली हीरोइन है, मैं ही असली हीरोइन है। खामोश।
मैं हूँ इस फिल्म की असली हीरोइन। ये वाह, ये होती है हीरोइन। भूरी देख जरा, देख क्या ब्यूटी है, भगवान ने फुर्सत में बनाया। एक ये भूरी को देखो, लगता है भगवान ने खुद बनाया नहीं, वो किसी और को काम पे लगा गया कि ये पड़ा मांस, ये बड़ी हड्डियां, कुछ बना दे बनता तो। ये देखो, ये हीरोइन। फिल्म में डायलॉग नहीं भी हो ना तो भी हाउसफुल रहता थिएटर। और तुम लोग दोनों हो ना कहीं, फिल्म टैक्स फ्री भी हो तो भी कोई ना जाए देखने। कौन सी हीरोइन है जिसके साइड लॉक होते हैं बताओ? ये कपू क्या थर्ड क्लास लोग हैं ये, स्टे अवे फ्रॉम देम। इससे ज्यादा बेटर हो भोजपुरी फिल्मों में इंटरवल होता है। ज्यादा बकवास नहीं करना समझी, एक तो जिब्रिश में क्या क्या बोलती समझ में नहीं आता है। अरे सुनो सुनो, तुम लोग झगड़ा मत करो। हाँ। शत्रु साहब बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। वो लोग जज करेंगे, तुम अपना एक एक डायलॉग बोलो फिर सिलेक्ट करते हैं। ये करेक्ट है कप्पू भैया। हाँ तो बोलो वो, एक्शन चलो। ए रमेश बाबुआ, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तू क्या जान मेरे। ए कलनुआ की माँ, कलुए के घर काली रात में जाके कच्चा कच कलाकंद खा गई। ऐसा नहीं डायलॉग होता है, डायलॉग ऐसा होता है जैसा शत्रु अंकल बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जली के आग कहल जाला। जली के आग कहल जाला, बुझी के राख कहल जाला, और जिस राख से बनेला बारूद ओखरा के विश्वनाथ कहल जाला। अच्छा होता है। और एक बात बताइए कप्पू भैया। हाँ। शत्रु अंकल आपको तो मालूम है भोजपुरी फिल्मों में 3 घंटे का पिक्चर रहता है और 24 तो गाने रहते हैं। तो डायलॉग से नहीं कप्पू भैया पता चलेगा, इनको डांस करवाना पड़ेगा। जो बेस्ट डांस करेगा अंकल आप सिलेक्ट कर लेना। कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, करो फिर। हाँ अभी देखो, अभी प्रोड्यूसर लोग ने तुम्हारा ऑडिशन देख लिया, अभी जिसको पसंद आया होगा वो कॉल करेगा तुम्हें, ठीक है? तुम लोग निकलो यहाँ से। ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं, 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 नहीं। यूनानिमस डिसीजन है गुरु, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, सपना इज द विनर। ये होते हैं। एक मिनट, बहुत पर्सनल बातें थोड़ा। आपके डायलॉग इतने फेमस हुए पिक्चरों में। ये शाम को कह देना कि छेनू आया था। खामोश, आप फिल्मों में सुपरस्टार हैं, पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम है। तो इतना सब है तो 1 करोड़ रुपया दो ना। तो पागल है क्या? जो आता है उससे पैसे मांगती है। अब जो आएगा उसी से मांगेगी, जो नहीं आएगा उससे कैसे मांगेगी? मैं चलती मेरे ना भाई को कुछ हो गया, कप्पू को कुछ हो गया। कप्पू मैं तेरे लिए व्रत रखेगी, कप्पू मेरा कप्पू ठीक हो जाएगा। कुछ तो हुआ मेरे कप्पू को।